तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग अपने एम्यूलेटर पे, अपने पीसी पे पबजी मोबाइल का कोरियन वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, खेल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको पसंद आएगी। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी जबरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हिल गेमिंग। तो भाई लोग देखते हैं कि पबजी मोबाइल का ये कोरियन वर्जन जो है वो हम लोग अपने एम्यूलेटर पे, अपने पीसी पे कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम लोगों को एक एम्यूलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। हम लोगों को पता है कि गेम लूप तो डेड हो ही गया है क्योंकि टेंसेंट का था, तो हम लोग ब्लू स्टैक नाम से जो एम्यूलेटर आता है काफ़ी फेमस है, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं आएगा प्रोसीजर क्या है। मैं ओपन करता हूँ जो अपना वेब ब्राउजर है उसको, यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे ब्लू स्टैक्स और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो सबसे पहला ही ऑप्शन आ रहा है ब्लू स्टैक्स का, हम लोग क्लिक करते हैं इसको, ओपन करते हैं और यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे इस फाइल को। डाउनलोड ब्लू स्टैक्स क्लिक, और फाइल एक बार डाउनलोड हो जाएगी। बिल्कुल एक टिपिकल जो इंस्टॉलेशन होता है विंडोज़ का, वो विंडोज़ इंस्टॉलेशन होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या करना है। ब्लू स्टैक्स हम लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। अब हम लोग ओपन करेंगे ब्लू स्टैक्स में ही क्रोम, और क्रोम में जाके हम लोग सर्च करेंगे पबजी मोबाइल के आर। तो मैं एक नया टैब खोलता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पबजी मोबाइल के आर। और पबजी मोबाइल केयर सर्च करने पे हम लोगों को बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। इनमें से एक लिंक है जो कि है apkpure.com से, हम लोगों को उसको ओपन करना है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ ये नीचे, और नीचे आप देखेंगे लिखा आ रहा है apkpure.com। इस पर हम लोग क्लिक करके खोलते हैं इसको, और यहाँ से हम लोगों को एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है। तो आप ये देखेंगे कि फाइल खुलने के बाद ये नीचे लिखा आ रहा है डाउनलोड xapk 1.9 GB। क्लिक करते हैं इसको और डाउनलोड करते हैं इस फाइल को। ओके, सो आप ये देखेंगे कि फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। हम लोग वेट करते हैं, फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। इतने हम लोग चलते हैं प्ले स्टोर पे, और एक दूसरा छोटा सा ऐप है जो हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर में हम लोग सर्च करेंगे apk इंस्टॉलर। मैं क्लिक करता हूँ और सर्च करता हूँ apk इंस्टॉलर, और यहाँ पे हम लोगों को वो ऐप चूज़ करना है जो है uptodown.com से। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा नीचे, तो आप ये लिखा आ रहा है apk इंस्टॉलर बाय uptodown। इस पर क्लिक करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं जल्दी से, और फिर हम लोग इसी एक्सट्रैक्टर का, इसी फाइल मैनेजर का इस्तेमाल करेंगे जो xapk फाइल डाउनलोड हो रही है उसको इंस्टॉल करने में। तो हम लोग वेट करते हैं, फाइल डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद इस ऐप के थ्रू हम लोग इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। फाइल हम लोगों ने डाउनलोड कर ली है, अब हम लोग apk इंस्टॉलर का इस्तेमाल करके इंस्टॉल करेंगे पबजी मोबाइल को। क्लिक करते हैं ओपन पे, और ओपन पे क्लिक करने के बाद हम लोग इंस्टॉल ऐप्स पे क्लिक करेंगे, और ये बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर है जैसे हम लोगों ने पबजी मोबाइल जो है वो अपने मोबाइल डिवाइसेस पे इंस्टॉल किया था जो कोरियन वर्जन था। ऊपर हमारी फाइल आ रही है जो हम लोगों ने डाउनलोड की है, क्लिक करते हैं इस पे और ये फाइल पूरी अनजिप होकर इंस्टॉल हो जाएगी एक बार, और उसके बाद हम लोग एक बार टेस्ट रन करके देखेंगे कि ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल है या नहीं। ओके, तो क्लिक करते हैं इंस्टॉल पे, और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग होम स्क्रीन पे जाके रन करके देखेंगे कि पबजी मोबाइल रन होता है या नहीं होता है, क्योंकि अगर आप लोग सीधे अपने विंडोज़ पे इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर फेल हो जाता है। मैं वापस जाता हूँ एक बार होम स्क्रीन पे, और होम स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जिट करते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग आते हैं होम पे, और यहाँ पे आप देखिए पबजी मोबाइल का लोगो जो है वो आ गया। क्लिक करते हैं इस पर, और अभी तक जो मेरे को दिखाई दे रहा है इट इज़ अ सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन। और थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और ये मैं अभी नहीं मिटाने वाला हूँ जो आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैंने ब्लू स्टैक्स पहले यूज़ नहीं किया है। तो फिलहाल हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारी इंस्टॉलेशन है वो फिलहाल अभी तक तो सक्सेसफुल है। और नॉर्मली जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई छोटा मोटा एक अपडेट आएगा 36-37 MB के आसपास, तो वो एक बार इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार रन करके हम लोग लॉबी तक पहुंच जाएंगे, फिर देखते हैं कि मतलब उससे ही ये पता लग जाएगा कि ये जो इंस्टॉलेशन है हमारी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। ओके, तो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है, द वे आई सी इट एवरीथिंग इज़ फाइन द वे इट शुड बी। और अभी आप देखिए 38 MB का एक अपडेट है छोटा सा, ये इंस्टॉल हो जाएगा जल्दी से, और इसके बाद हम लोगों को गेम एक बार शायद रीस्टार्ट करना पड़ेगा जब ये अपडेट हो जाएगा। ओके, तो एक बार रीस्टार्ट करते हैं गेम को। मैं क्लिक करता हूँ पबजी मोबाइल पर दोबारा से एक बार, एंड नाउ एज वी कैन सी ये दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। एक बार फटाफट से स्किप करते हैं, चलते हैं लॉगिन स्क्रीन पे। तो आ गए हैं हम लोग लॉगिन स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस पहले ही दिखाई दे रहे होंगे, गेस्ट, प्ले गेम या लॉगिन विद फेसबुक। इसके अलावा आप चाहें तो ट्विटर से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं फिलहाल क्लिक करता हूँ ट्विटर पे। ओके, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अभी हम लोगों को शायद पहला अपना कैरेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज इट इज़ फर्स्ट टाइम। मैं फटाफट से कुछ भी चूज़ कर लेता हूँ अभी, और नाम चेंज कर लेते हैं, जो हम लोग चाहें वो नाम रख सकते हैं यहाँ पर। लेट मी से इट इज़ लाइक, एंड क्लिक करते हैं क्रिएट पे।
और यहाँ पे आप देखें कि ये कैरेक्टर हमारा क्रिएट हो गया है और हम लोग पहुँचेंगे लॉबी में। इसका मतलब जो हमारी इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल है यहाँ पर। तो भाई लोग इस प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं पबजी मोबाइल का कोरियन वर्जन ऑन एन एम्युलेटर ऑन योर पीसीज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको जरूर बजा देना है क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होगा। जब भी एक नई वीडियो आएगी वो घंटा बजेगा और आप लोगों को पता लग जाएगा कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।